डिंडौरी जिले के गोपालपुर गांव में मजदूरों ने समय पर मजदूरी का भुगतान न मिलने से नाराज होकर ठेकेदार को बंधक बना लिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया और वहीं घटना की जानकारी मिलने पर करंजिया जनपद अध्यक्ष चरण सिंह ध्रुवे भी पहुंच गए और ग्रामीणों को जायज हक जल्द दिलाने की बात कही ठेकेदार से की और गोपालपुर में 37 मजदूरों को ठेकेदार ने शासकीय बालक छात्रावास में छपाई और प्लास्टर जैसे मरम्मत कार्य के लिए लगाया हुआ था, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी अब तक ठेकेदार प्रवीण द्विवेदी के द्वारा मजदूरों का भुगतान नहीं किया गया, जिससे ग्रामीणों को परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। इसी बात से गुस्साए ग्रामीणों ने बालक छात्रावास में ठेकेदार का घेराव कर गोपालपुर पुलिस को बुलवाया और मजदूरी भुगतान दिलाए जाने की तत्काल मांग की। बालक छात्रावास गोपालपुर में मजदूरों ने यहाँ मरम्मत कार में काम किया है, वो प्लास्टर का काम, पुट्टी का काम, तमाम प्रकार के काम ये ठेकेदार जो है भोपाल वाले प्रवीण द्विवेदी और एक और है यहाँ पर, एक क्या नाम बता रहा है, पवन चौधरी। इन्होंने 3-4 महीने से यहाँ पे काम करा रहा है मरम्मत का काम, और इस क्षेत्र में जो गरीब आदमी है जो मजदूरी कर रहे हैं उनको 4 महीने से मजदूरी भुगतान नहीं किया है। इस संबंध में मुझे पता चला तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ गोपालपुर में, तो पूरे मजदूरों ठेकेदारों को घेर लिए हैं और ठेकेदार को अभी पुलिस वाले यहाँ चौकी में उठा के लाए हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि आज मजदूरों का मजदूरी भुगतान हो जाए,